12 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सबने राहत की सांस ली है। आग में करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गई। इस घटना के कारणों का पता लगाने में सरकार लगातार जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और कहा कि कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि डिजिटल जमाना है, आग में जली फाइलों को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। सतपुड़ा भवन में आग पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, घटना को साजिश बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आग लगी या लगाई, ये बड़ा प्रश्न है। कमलनाथ इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस इस घटना में भी अवसर तलाश रही है। इस सियासत के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन में लगे आग की खबर आग की तरह भोपाल से दिल्ली तक पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड प्रशासन के पसीने छूटने लगे तो सीएम शिवराज ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तक से मदद मांगी। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड, SDRF से लेकर आर्मी तक ने मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हजारों फाइलें जलकर राख हो गईं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। इस घटना पर सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों का बड़ा बयान भी आया। उनके मुताबिक बिल्डिंग में आग को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। हर दिन आग वाले हादसे, ऐसा लगता है मानो हादसों के दिन चल रहे हों। एक और मामला ट्रक में आग लगने का सामने आया। तस्वीरें सिवनी की हैं, जहां नेशनल हाईवे 44 पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। दरअसल चना लेकर अमरावती से नेपाल बॉर्डर की ओर जा रहे ट्रक में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। ड्राइवर इस बात से अनजान था और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते उसे कुछ एहसास हुआ और उसके कुछ देर बाद उसे पता चला कि ट्रक में आग लग गई है। और यह हादसा छपारा थाने के बंजारी घाटी के पास हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग बेकाबू है। आग लगने के कारण का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। ग्वालियर में जिंदगी पर आफत तब आ गई जब एक ट्रक बेकाबू होकर मकान पर जा पलटा। मकान ध्वस्त, ट्रक क्षतिग्रस्त और हादसे में माँ बेटी घायल। वो माँ बेटी जो हादसे के वक्त घर में थी। तस्वीरें देखिए, ग्वालियर के पहाड़ी के पास की हैं, जहाँ सड़क किनारे एक मकान पर ट्रक पलट गया। हादसे में मकान ध्वस्त हो गया, मकान अब नजर ही नहीं आ रहा, बस वहाँ मौजूद मकान का मलबा। वहीं हादसे में मौजूद माँ बेटी बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बुरहानपुर के करीब 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने विश्व बैंक के सहयोग से ताप्ती जल आवर्धन योजना का काम 5 साल पहले शुरू कराया था। अब तक अधूरी पड़ी 131 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना से शहर के लोगों को पानी नहीं मिल सका है। वहीं निर्माण एजेंसी JMC ने इसकी मेन राइजिंग पाइपलाइन की टेस्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक पाइपलाइन फट गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर उतावली नदी के पास फटी पाइपलाइन से पानी का तेज फव्वारा छूटा। पाइपलाइन फटने से जलावर्धन योजना पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या योजना के तहत किए जा रहे काम की गुणवत्ता सही नहीं है। बता दें कि निर्माण एजेंसी JMC को 2 साल में काम पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने 5 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया। वहीं एक्सटेंशन देने के बावजूद भी काम अधर में लटका हुआ है और पाइप एक बार फिर फट गई, जिससे हजारों गैलन पानी बह गया। ये कंपनी की पोल भी खोल रहा है। मध्य प्रदेश भले ही विकास के पथ पर आगे दिनों दिन बढ़ रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों के आदिवासी वनांचल गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे ही सीधी जिले का एक ताल गांव है, जो आजादी के बाद से अब तक मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहा है।
इस गांव में बिजली, पानी, सड़क सहित मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या है। ऐसे में ग्रामीण लालटेन युग की जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि मोबाइल फोन से बात करने के लिए ग्रामीण पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल फोन की सुविधा का लाभ ले पाते हैं। रहवासियों का आरोप है कि गांव में मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इस बारे में कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन जब कोई नहीं सुन रहा तो अपने तौर तरीके से जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि अगर ऐसा है तो ग्रामीणों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। अभी सिर से सेहरा उतरा भी ना था, अभी हल्दी के रंग छूटे भी ना थे, दूल्हा मन में खूबसूरत सपने संजो रहा था, लेकिन ये सारे सपने धरे के धरे रह गए और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। मामला खरगोन जिले का। बारात के साथ कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचा दूल्हा अपनी होले वाली दुल्हन का इंतजार कर ही रहा था, तभी पता चला कि दुल्हन और उसके परिजन 1,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लाल जोड़े में इस अनोखी लूट की शिकायत लेकर धार निवासी दूल्हा बारात सहित थाने पहुंचा, शिकायत दर्ज करवाई। अब पुलिस थक दुल्हन और उसके साथियों की तलाश कर रही है। हमें जब कुछ अच्छा खाना होता है तो रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं हम। कभी कभी तेज भूख लगी हो और खाना घर पर नहीं तो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अब इंसान ही रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते बल्कि जानवर भी खाते हैं। आपने हाथियों को जंगल या जू में पेट पूजा करते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो हैरान कर देगी। ये तस्वीर गुवाहाटी की। देखिए, एक हाथी रेस्टोरेंट पहुंच गया। दरअसल हाथी को भूख लगी, आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। गजराज महाराज पहुंच गए रेस्टोरेंट। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक हाथी को भूख लगी तो वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां उसने ब्रेड, बिस्किट और मिठाइयों की दावत उड़ाई। देखिए क्या मौज लेकर हाथी ब्रेड, बिस्किट और मिठाइयां खा रहा है। हाथियों को रेस्टोरेंट में खाना खाते तो देख ही लिया, अब हम आपको एक सांप दिखाते हैं जिसे गर्मी लगी तो फ्रिज के अंदर बंद हो गया। दरअसल मामला कोरबा के कनकी का है, जहां एक शख्स को प्यास लगी। देर रात जब अपनी प्यास बुझाने के लिए घर में रखे फ्रिज को उसने खोला तो देखा और देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल फ्रिज में एक सांप बैठा था। सांप फ्रिज में बैठकर फुंकार मार रहा था। सांप पर नजर पड़ते ही युवक ने स्नेक रेस्क्यू टीम को संपर्क किया। वहीं मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में कोई किसी भी हद तक जा रहा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। सफेद शर्ट, कंधे पर गिरुआ गमछा, मुंह में सिगरेट और हवा में उड़ता धुआं। रील बनाने के ये कैरेक्टर्स हैं। मामला सूरजपुर के करंजी पुलिस चौकी का है, जहां बेखौफ नशेड़ियों ने खुलेआम सिगरेट पीने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया। ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए इस बदमाश का क्या रौब है, किस रौब से थाना परिसर में सिगरेट सुलगाकर धुएं का छल्ला बना रहा है। वहीं इस मामले में सीएसपी का कहना है कि सभी युवकों की तलाश की जा रही है और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाल करो, ये नारा आजकल बुरहानपुर में अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के घर की दीवारों पर दिखने लगा है। जिले के उन 5,000 से अधिक अफसरों और कर्मचारियों के घरों के बाहर जो वक्त वक्त पर ओपीएस का मुद्दा उठाते रहते हैं। चुनाव नजदीक आते हैं, एमपी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल पुरानी पेंशन देगा, कर्मचारी और उसका परिवार उसे वोट देंगे। दीक्षित ने बताया कि हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, माननीय लोग तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारी अधिकारियों को नई पेंशन दे रहे हैं। कर्मचारियों के कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका भविष्य में कोई सहारा नहीं होगा।
यही पुरानी पेंशन भविष्य में बुढ़ापे का सहारा बनेगी। गौरतलब है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा कांग्रेस सहित अनेक राजनीतिक दल जनता को खुश करने और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नई नई स्कीम्स और योजनाओं को लागू कर रही हैं। लेकिन प्रदेश में कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों से नाखुश दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कर्मचारियों के हित में कौन सा दल आगे आकर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करता है। जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो या किसी वजह से ड्रॉप आउट हो जाए वो कुछ नहीं कर सकता। राहत इंदौरी साहब का शेर इस पर सटीक बैठता है। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, कि वो कुछ नहीं करते गजब करते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल खरगोन में देखने को मिला। खरगोन से करीब 70 किलोमीटर दूर सनावद विकास खंड के बांसवा गांव में रहने वाले अमन कालरा ने घर के वेस्ट मटेरियल से रोबोट तैयार किया। 2010 में रिलीज हुई फिल्म रोबोट और 2018 में रोबोट 2.0 फिल्म देखकर अमन के मन में रोबोट बनाने की इच्छा हुई। और जब किसी काम को करने की इच्छा मन में हो तो वो इंसान उसके लिए सारी रुकावटों को पार कर लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ। 8वीं में टॉप करने के बाद ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे ने कुछ ऐसा ही किया। पिता की स्थिति अच्छी नहीं थी, बावजूद इसके जब पिता ने बेटे को अपनी रोबोट बनाने की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने बेटे को निराश नहीं किया। ऑनलाइन एड्रिनो मोटर ड्राइव, ब्लूटूथ, मॉडर्न सर्वो मोटर एंड गियर मोटर, वायर बैटरी, कार्डबोर्ड, प्लाईवुड और घर की पड़ी वेस्ट सामग्री से करीब 11 महीने के अथक प्रयास के बाद ये रोबोट तैयार हुआ। ये रोबोट भी इतना खर्चीला नहीं है। अमन ने केवल 7,000 रुपए में इस रोबोट को तैयार किया। रोबोट मोबाइल और इंटरनेट से ऑपरेट होता है। मोबाइल से ही इसकी कमांड दी जाती है। इसकी कोडिंग भी स्वयं अमन ने की है। ये रोबोट पूछे गए सवालों का जवाब भी देता है। अमन ने ये रोबोट महज 11 महीने में देसी जुगाड़ से बनाया। रोबोट हाथों से करीब 300 ग्राम तक का वजन भी उठा सकता है और पैरों से 5 किलो तक का वजन उठा सकता है। अब इस बच्चे के हौसले को देखकर आप भी इसके हुनर के मुरीद हो जाएंगे। दमोह में गंगा जमुना ग्रुप का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद बीते 4 दिनों से चल रही अलग अलग जांचों में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गंगा जमुना ग्रुप के 8 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की दमोह, जबलपुर और सागर की टीमों की कार्रवाई में लाखों की टैक्स चोरी का पता चला है। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक ग्रुप की 78 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ग्रुप ने तेंदुपत्ता यानी बीड़ी उद्योग में बड़ी टैक्स चोरी की है। जीएसटी की टीम कार्रवाई में जुटी है और अनुमान है कि टैक्स चोरी की रकम और बढ़ेगी। गंगा जमुना ग्रुप के काले कारनामों के और खुलासे होंगे। हिजाब विवाद के बाद गंगा जमुना स्कूल और इससे जुड़े ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जीएसटी की कार्रवाई के साथ ही अतिक्रमण कर बनाई गई स्कूल की नई बिल्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधक टीम के सामने पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने, धर्मांतरण कलाबा पहनने पर बच्चों की पिटाई जैसे कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अब गंगा जमुना ग्रुप से जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। जब अस्पताल ही बीमार हो जाएं, तो आखिर मरीज कहां जाए। तस्वीरें देखिए, ये अस्पताल की हालत है। ये अस्पताल इन दिनों बीमार चल रहा है। अस्पताल को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर ही बताते हैं कि यहां डॉक्टर्स की कमी है। दरअसल मामला क्या है ये समझिए। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला अस्पताल से अलग होने के बाद अब रायगढ़ की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुमार हो गया है, लेकिन अस्पताल का नाम बड़ा है। यहां अव्यवस्थाओं की भी भरमार है। जिला अस्पताल के प्रभारी खुद मान रहे हैं कि यहां डॉक्टर्स की कमी है और इलाज के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के जिला अस्पताल में पहले संचालित हो रहा था, ऐसे में अब तक यहां बेहतर इलाज होता था।
लगभग साल भर पहले जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अलग हो गया। ऐसे में यहाँ जो सुविधाएं मिलती थी अब वो नहीं मिल पा रही हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल कितना बीमार है। आपने रायगढ़ जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में तो जान लिया, अब आपको रायपुर का जिला अस्पताल दिखाते हैं, जहां की तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल तस्वीरें जिला अस्पताल के कालीबाड़ी की हैं, जहां लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गयी। अस्पताल प्रबंधन मरीजों के साथ खिलवाड़ करने में जुटा हुआ है। अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था है और हैरान करने की बात ये है कि इस पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करने के अलावा मरीजों का पर्चा भी बनाया जाता है। यहाँ गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई पर्चा नहीं काटता, बल्कि ये पर्चा पार्किंग का ठेकेदार काटता है। अस्पताल में मरीजों के लिए कोई काउंटर की व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल की ये तस्वीरें प्रबंधन की पोल खोलती हैं और ये तस्वीरें कहती हैं कि मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाएंगे या फिर हादसे का शिकार। मेरा सैया थानेदार चलावे जिप्सी, गाने तो सुने होंगे, लेकिन सोचिए जो लड़की ये सपने संजोए बैठी थी कि शादी होगी थानेदार से, तो ये गाना गाएंगे। और वो थानेदार किसी से ब्याह कर ले तो वो क्या करे? हम बताते हैं आखिर उसने किया क्या। मामला अंबिकापुर का है, जहां एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, वो भी इसीलिए क्योंकि उसके प्रेमी ने कहीं और शादी कर ली। प्रेमी पुलिस का जवान है और वो अस्पताल चौकी में पदस्थ है। प्रेमी के शादी करने से नाराज युवती ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद परिजन परेशान हो गए कि कोई अनहोनी की घटना न हो जाए। परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छप्पर फाड़ कर घर के अंदर पहुंची और युवती को सही सलामत घर से निकाला। अब एक अजीबोगरीब मामला आपको बताते हैं जो मुरैना का है। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा से सामने आया, जहां दूसरी शादी के लिए जिद कर रहे साले ने अपने ही जीजा को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि साले अशोक की पत्नी की एक साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद अशोक, जिसकी उम्र करीब 48 साल है, वो दूसरा ब्याह रचाने की इच्छा जता रहा था। यही वजह है कि अशोक लगातार अपने जीजा रणछोड़ से जिद कर रहा था। जब रणछोड़ ने शादी नहीं करवाई, इसी से नाराज आरोपी का जीजा घर से बाहर निकला तो घात लगाए बैठे नाराज साले ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से जीजा को गोली मार दी। गोली रणछोड़ वाल्मीकि के गर्दन की बाईं ओर लगी, जिसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीजल पेट्रोल सीएनजी की गाड़ियों में कई बार आग लगते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये जो जली हुई स्कूटी दिख रही है, ये ना कोई डीजल पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी है और ना ही सीएनजी, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसमें आग लग गई। ऐसी आग कि जलकर स्कूटी खाक हो गई। तस्वीरें भिलाई के कैलाश नगर की हैं, जहां स्कूटी चार्जिंग के दौरान अचानक से आग लग गई। वहीं स्कूटी कार के पास खड़ी थी, जिसकी वजह से कार भी चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज के मॉडर्न जमाने में लोग शादी से पहले लिव इन में रहने लगे हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां लिव इन में रहने का दौर आज से नहीं बल्कि दशकों से चलता आ रहा है। ये है जशपुर। बता दें कि जशपुर में रहने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति में एक शादी को लेकर एक अनोखी परंपरा है। पहले लिव इन रिलेशन में रहते हैं, फिर बच्चे पैदा होने के बाद कपल शादी करते हैं। ऐसी एक जोड़े ने शादी रचाई, जिनके 4 बच्चे हो चुके हैं और शादी समारोह में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी बच्चे जमकर नाचे भी। दरअसल पहाड़ी कोरवा समाज आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है और इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, इसीलिए इनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा मिला है। पहाड़ी कोरवा समाज के अधिकांश लोगों का काम लकड़हारे का होता है, जो जंगलों से लकड़ियां चुनकर शहरों में ले जाकर बेचते हैं, जिनसे उनका जीवन यापन होता है।
आजकल लोग चोरी करने के भी अलग अलग तरीके इजाद करते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला मुंगेली से आया जहां मनियारी नदी से धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो अवैध खनन करने का तरीका है वो बहुत अलग है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप रेत खनन के लिए कैसा अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। दरअसल ये बाहरी ठेकेदार हैं जो रेत की चोरी कर रहे हैं और तरीका अलग है। ये लोग कटे हुए ड्रम को पानी में डालते हैं और फिर पानी के साथ रेत निकाल रहे हैं। ये चोरी लोरमी इलाके के जमुनाही बगरा गांव में चल रही है। इस अवैध खनन का आरोप बाहरी ठेकेदारों पर लगाया जा रहा है। लोगों ने खनिज विभाग से कार्रवाई की मांग उठाई है। गिरिडीह के सुदूरवर्ती गांव फुलजोरी के रहने वाले आदिवासी युवक संतोष महली के बैम्बू आर्ट क्राफ्ट की दुनिया दीवानी है। संतोष अपने हाथों से कम संसाधनों में बांस का उपयोग करके ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। संतोष भगवान की प्रतिमा के साथ ही देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर और पारसनाथ के मंदिर की भी प्रतिमा बना चुके हैं। इसके अलावा संतोष घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे टॉर्च, टेबल फैन, कुर्सी और मोबाइल होल्डिंग के लिए ट्राइपॉड तक बांस से बना रहे हैं। आदिवासी समाज के संतोष महली प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल स्लोगन को साकार करने में जुटे हैं। हालांकि इनके हुनर को सम्मान और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। संतोष चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि दूसरे लोगों को ट्रेन कर इस अनोखी बैम्बू आर्ट क्राफ्ट को बचाया जा सके।